जी इस वक्त हम तारीखी दनियोर ब्रिज पर हैं और मेरी बैक पे दनियोर का गांव है और मेरी फ्रंट पे गिलगित का तारीखी शहर है। और ये सस्पेंशन ब्रिज है जो 1957 से 1960 तक ये तामीर हुई और ये स्टील वायर से एक हैंगिंग ब्रिज है। और इस तरह की ब्रिज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आपको बेशुमार मिलेगी, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस पुल को बनाने के बाद इसकी बैक पे जो पहाड़ है उसमें मकामी लोगों ने 3 साल लगा के इसको पत्थरों को काट कर अपनी मदद आपके तहत काट कर उन्होंने अपने गांव तक इसको एक्सेस दी। और मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू दीज ब्रेव विलेजर्स, इस गांव के जो बहादुर लोग हैं, जफाकश लोग हैं, उनकी हिम्मत को सलाम कि उन्होंने यहाँ रास्ता बनाने के लिए पहाड़ को भी काट के अपने गांव तक एक्सेस दी। उससे पहले गिलगित और दनियोर के लोगों का कश्ती के ज़रिए ही रब्ता होता था, कश्ती से ही ये क्रॉस करते थे। ये पुल काफ़ी अर्से तक गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए भी इस्तेमाल होती थी। वक्त के साथ साथ ये कमज़ोर होती गई, फिर गाड़ियाँ बंद करके इसके अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक कंक्रीट की एक ब्रिज बना दी गई और वहाँ से अब गाड़ियाँ या हैवी व्हीकल्स जो है वो वहाँ से गुजरती हैं और जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए इसको सिर्फ खोल दिया गया है। और ये तारीखी है, ये लकड़ी के पैनल और तख्तों से बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज है। जब आप इस पे चलते हैं तो थोड़ी सी जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो घबराते भी हैं और उनसे जो है ये पुल जो है वो हिल भी रही होती है। और मेरी बैक पे जो है दनियोर का गांव है और उसके बहादुर लोगों ने ये एक बनाया और ये एक अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। और ये एक मेरे ख़्याल में इसको भी गिलगित बल्तिस्तान का एक वंडर कहा जाए कि ये एक बहादुर कौम की निशानी है और ये हमारा सकाफती विरसा है, इसको इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और डी बाइकर्स की टीम के साथ आप रहिए, हम आपको अमेजिंग प्लेसेस और बहुत कुछ दिखाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में।